हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लाइमिंग एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ फिश पॉन्ड। मतलब लाइमिंग एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइमिंग इज मोस्ट इसेंशियल टू मेंटेन द पीएच ऑफ वाटर। लाइमिंग पीएच ऑफ वाटर को मेंटेन करने में हेल्प्स करता है। तो लाइमिंग हेल्प्स इन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉयल एंड वाटर। लाइमिंग सॉयल एंड वाटर को एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। किल्स द बैक्टीरिया फिश पैरासाइट एंड देयर डेवलपमेंट स्टेजेस। किल्स बैक्टीरिया फिश पैरासाइट एंड देयर डेवलपमेंट स्टेजेज में भी लाइमिंग हेल्प्स करता है। इट हेल्प्स इन मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट। मिनरलाइजेशन प्रोसेस में भी लाइमिंग हेल्प्स करता है, जैसे कि इन ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने को हम मिनरलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। टू रिमूव द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। वाटर को टर्बिडिटी को रिमूव करने में भी लाइमिंग हेल्प्स करता है। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मतलब पॉन्ड के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में भी लाइमिंग हेल्प्स करता है। टू मेक द पॉन्ड इन्वायरमेंटल क्लीन, मतलब कि पॉन्ड को, जैसे कि पॉन्ड में बहुत सारे खर पतवार या गंदगी वगैरह आ जाता है, उसको क्लीन करने के लिए भी हम लाइमिंग का प्रयोग करते हैं। अब लाइमिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, उनको एग्रीकल्चरल लाइम, कैल्साइट या लाइम स्टोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोला जाता है। अगला है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड या सिलेक्ट लाइम भी बोला जाता है। अगला है CaMgCO3, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको डोलोमाइट भी बोलते हैं। अब लाइमिंग डोजेज, मतलब पॉन्ड में हम पीएच के अकॉर्डिंग कैसे उसको डोज लाइमिंग को, मतलब पॉन्ड में डालते हैं। तो जब हाईली एसिड यानी 4 से 4.5 पीएच रहेगा तो हम 1000 केजी पर हेक्टेयर लाइम यूज करेंगे। वही स्लाइटली एसिडिक रहेगा यानी 5.5 टू 6.5 पीएच रहेगा तो 500 केजी पर हेक्टेयर लाइम यूज करेंगे। नियर न्यूट्रल यानी 6.5 टू 7.5 पीएच रहेगा तो 200 से 250 केजी पर हेक्टेयर लाइम यूज करेंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड। फर्टिलाइजेशन भी इंक्रीजिंग यानी हमारे पॉन्ड के प्रोडक्टिविटी को गेन करने में मदद करता है, जैसे कि फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन। जैसे कि फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन पॉन्ड में रहेंगे तभी हमारी फिश ग्रोथ करेंगी। इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर ऑल्सो यूज्ड। मतलब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का हम दोनों को कॉम्बिनेट करके यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आते हैं जैसे कि काउडंग, ग्रीन मैन्यूर, भर्मी कंपोस्ट, पिग डंग, पोल्ट्री डंग इटीसी। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हमारे आते हैं यूरिया, SSP जिसको सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। अब काउ डंग का डोज यानी एक साल में हम काउ डंग कितना पॉन्ड में डाल सकते हैं, तो 10 से 15 टन पर हेक्टेयर पर ईयर या 10,000 से 15,000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी यूरिया हम 150 से 200 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर यूरिया का हम यूज करते हैं। और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट हम 40 केजी टू 100 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर यूज करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।